जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है सिंह राशि के लिए जुलाई 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य महाराज के बारे में। तो सूर्य महाराज जो हैं वो चल रहे हैं आपकी राशि से 11वें स्थान में। मिथुन में चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ है, सरकार से लाभ करवाएंगे, पिता से लाभ करवाएंगे, बिजनेस में लाभ करवाएंगे। हालांकि जो सूर्य का ये भ्रमण है वो 16 जुलाई 2016 तक ही है, उसके बाद सूर्य चलेंगे कर्क राशि में। तो राशि से 12वें स्थान में जब सूर्य का भ्रमण होगा तो वो आपके लिए शुभ नहीं है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई कार्य आता है 16 जुलाई 2016 के बाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई कार्य आता है तो उसमें आपको विशेष केयर करना होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा और फादर के साथ भी रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा। अपनी हेल्थ की ओवरऑल भी विशेष आपको केयर करनी होगी। बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुध का जो भ्रमण है वो 11 जुलाई से 27 जुलाई तक बुध चलेंगे राशि से 12वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए मध्यम प्रकार के माने जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में चलने वाले बुध राशि से 12वें स्थान में चलेंगे। 12वें स्थान के अंदर बुध का भ्रमण ऐसा कहता है कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल सकती है, तो कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना लें। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र का भ्रमण जो है वो आपकी राशि से 11वें स्थान में है 7 जुलाई 2016 तक, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे शुक्र राशि से 12वें स्थान में, कर्क राशि में शुक्र का भ्रमण आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपके 12वां स्थान जो है उसमें शुक्र का भ्रमण जो है शुभ पाया गया है। हालांकि खर्च आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपके खर्च लग्जरियस आइटम के अंदर हो सकते हैं, और ख़ास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 24, 25 और 26, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मीन राशि में। तो मीन के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्रम में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना होगा। तो बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल का जो भ्रमण है वो राशि से तीसरे स्थान में है 12 जुलाई 2016 तक, जो कि आपके लिए शुभ है, नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। 12 जुलाई 2016 के बाद मंगल चलेंगे राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर। चतुर्थ भाव में जो मंगल का भ्रमण है वो शुभ नहीं है, वंस अगेन आपको टेक केयर करना होगा अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। तो कुल मिला के जो ये मंथ का तात्पर्य है वो इस प्रकार है कि आपके लिए जो 16 जुलाई 2016 तक का समय है वो बहुत शुभ है, उसके बाद का समय है वो आपको शांति से पास करना है। तो ये था प्रेडिक्शन सिंह राशि के लिए जुलाई 2016 का। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें, फेसबुक इत्यादि माध्यम से आप अपने प्रोफाइल पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।